हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। तो कल आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में जो हमने बेसिक लेक्चर लिया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, उसमें हम लोगों ने जो भी जेनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लाइक व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय जीन, ट्रेट का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का डेफिनेशन क्या है, रिसेसिव का डेफिनेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने कल के लेक्चर में इन डिटेल हम लोगों ने लर्न किया। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा और एडवांस इन डिटेल हम लोग जाएंगे। एंड कल हमने ये भी लर्न किया कि ये जो जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट हम लोग जो लर्न कर रहे, इसके हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, तो आप सबको पता ही है आंसर कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है करके। यस, आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है, ग्रिगर मेंडल। तो ग्रिगर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, करेक्ट। तो ग्रिगर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किए, कैसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये आज हम सब इन डिटेल लर्न करने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है, एज आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आज हम लोग आज के सेशन में कवर अप करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो ग्रिगर मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट है पाइसम सटाइवम, इसका यूज करके कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये सब चीजें हम लोग आज के सेशन में इन डिटेल हम लोग लर्न करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए जाते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल के लेक्चर में लर्न किया था बच्चों कि गार्डन पी प्लांट में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे। कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, ये आप सबको पता ही है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो बच्चों देखो यहाँ पे, आप लोगों को अगर याद है तो गार्डन पी प्लांट जो कि ग्रिगर मेंडल ने यूज किया था, वापस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, गार्डन पी प्लांट जो ग्रिगर मेंडल ने यूज किया था उसका नाम क्या था बच्चों? यस, उसका नाम था यहाँ पे पाइसम सटाइवम। दिस वॉज द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी प्लांट। इसमें हमने देखे थे कि ये गार्डन पी प्लांट में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में से कौन से डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है, ये काफी बच्चों को याद रखने के लिए दिक्कत होती है ना। तो याद कैसे रखेंगे, इसका मैं आपको पहले एक शॉर्टकट बताती हूँ, देन हम लोग लर्न करेंगे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने देखे थे बच्चों, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स, ठीक है, कौन से कैरेक्टर्स देखे थे। तो कैरेक्टर में एक कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, एंड जो दूसरा कैरेक्टर उन्होंने हमने बताया था दैट वॉज रिसेसिव। ओके, तो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। कल तो मैंने आपको ये बताया ही था, बट वंस अगेन लेट्स सी दैट ओवर हियर, वापस एक बार हम लोग ये सबका लिस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, लिस्ट करते समय हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ डोमिनेंट फीचर कौन से और रिसेसिव फीचर गार्डन पी प्लांट के कैसे है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि मैम दो कैरेक्टर तो होते हैं, तो उसमें से डोमिनेंट कौन सा और उसमें रिसेसिव कौन सा, काफ़ी बार ये दिक्कत आती है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, एंड वो शॉर्टकट है बच्चों हमारे पास, देर इज वन वर्ड विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। कौन से वर्ड को आप याद रखोगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी ये शॉर्टकट है, शायद ग्रेविटी सुन के आप लोगों को फिजिक्स की याद आ रही होगी, कोई बात नहीं, फिजिक्स के छोटे से वर्ड को हमने बायो में यहाँ पे यूज कर लिया है हमारे शॉर्टकट के लिए। तो अभी ग्रेविटी का फुल फॉर्म है, हम याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटी को हम लोग एक काम करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिख के लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? डोमिनेंट फीचर है। तो डोमिनेंट फीचर में देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जी, जी का स्टार्टिंग का लेटर यहाँ पे ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ग्रीन पॉड कलर, ग्रीन पॉड कलर। पॉड का मतलब मैंने आपको बताया था जो मटर होता है उसका छिलका, तो मटर का जो छिलका है वो ग्रीन कलर का होगा, तो ये आएगा यहाँ पे ग्रीन पॉड कलर। आर, आर का स्टार्टिंग यहाँ पे बच्चों क्या होगा? राउंड, ठीक है। तो राउंड क्या होगा? सीड का शेप होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे राउंड सीड शेप, ठीक है। उसके बाद ए, ए का मतलब क्या आएगा? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में ए कहाँ का स्टार्टिंग था? ए का स्टार्टिंग यहाँ पे आएगा एक्सियल,
एक्सियल क्या था? फ्लावर पोजीशन. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्सियल फ्लावर पोजीशन. ऑल राइट. देन वी, वी क्या था? फ्लावर कलर वॉयलेट कलर का था. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वॉयलेट. आइदर यू कैन से वॉयलेट और इवन यू कैन से पर्पल. वॉयलेट फ्लावर कलर. ऑल राइट. देन यहाँ पे देखेंगे आई. आई का फुल फॉर्म क्या था बच्चों? यहाँ पे आई का स्टार्टिंग क्या था? यहाँ पे इनफ्लेटेड. इनफ्लेटेड क्या था यहाँ पे? इनफ्लेटेड पॉड. ठीक है, इनफ्लेटेड जो पॉड था मतलब उसका जो छिलका था एकदम फ्लैट था यहाँ पे. ठीक है, देन उसके बाद टी. टी का फुल फॉर्म क्या था? जो स्टेम का हाइट जाएगा तो स्टेम का जो हाइट है वो टॉल. टॉल एंड डॉर्फ में टॉल डोमिनेंट हुआ यहाँ पे, तो टी फॉर यहाँ पे क्या आएगा? टॉल स्टेम हाइट. ऑल राइट. उसके बाद आएगा यहाँ पे वाई. वाई का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या आएगा? वाई स्टैंड्स फॉर येल्लो. येल्लो क्या आएगा यहाँ पे? येल्लो सीड कलर. तो बच्चों ये जो ग्रेविटी, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, तो ये साथ के साथ जो कैरेक्टर मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, दीज ऑल आर द डोमिनेंट ट्रेट. ये शॉर्टकट क्या है? किस चीज का है? डोमिनेंट ट्रेट को याद रखने का ये शॉर्टकट है. ठीक है, तो ये सबको याद रखे हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. तो चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, हाउ अगेन यू विल रिमेंबर ओवर हियर. तो यहाँ पे तो पहले आप याद रखोगे, यहाँ पे कैरेक्टर में पहला यहाँ पे आप याद रखोगे वो है मतलब स्टेम हाइट. ऑल राइट. सेकेंड आप यहाँ पे याद कर सकते हो हाइट के बाद यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आएगा. दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्लावर. फ्लावर कलर, फ्लावर से ही रिलेटेड हम लोग यहाँ पे दूसरा फीचर कंसिडर करेंगे वो है मतलब फ्लावर पोजिशन. ऑल राइट. देन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बच्चों आफ्टर दैट सीड. सीड को हम लोग यहाँ पे दो बार कंसिडर करेंगे. सीड कलर, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे सीड का शेप. देन आप यहाँ पे बोल सकते हो पॉड शेप मतलब उसका छिलका. एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे वो है मतलब यहाँ पे पॉड कलर. तो ऐसे टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये सारे कैरेक्टर हुए. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कैरेक्टर के बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है रिलेटेड टू द, किसके रिलेटेड रहेगा? ट्रेट के रिलेटेड रहेगा. तो हाइट में दो हाइट है ये हम सबको पता है. कौन से दो हाइट है बताइए यहाँ पे? एक आएगा यहाँ पे टॉल, टॉल का अपोजिट डॉर्फ. तो मैंने आपको यहाँ पे ग्रेविटी लिखा है. यहाँ पे ग्रेविटी का टी है यहाँ पे, मतलब ये जो टॉल फीचर है ये डोमिनेंट में आएगा. ठीक है, उसके बाद फ्लावर कलर. फ्लावर कलर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वॉयलेट. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा? वाइट. तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे वाइट एंड वॉयलेट को या पर्पल को, दैट इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट फीचर इन द गार्डन पी प्लांट. ठीक है, उसके बाद फ्लावर पोजिशन. फ्लावर पोजिशन में यहाँ पे क्या आएगा? एक आएगा एक्सियल, दूसरा आएगा यहाँ पे टर्मिनल. टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड. मतलब अगर ये स्टेम है, स्टेम के एंड में अगर फ्लावर रहेगा तो वो टर्मिनल. स्टेम के बीच में अगर फ्लावर रहेगा तो वो क्या आएगा यहाँ पे? एक्सियल. ठीक है, उसके बाद आएगा सीड कलर. एक चीज याद रखना, जब हम सीड कलर की बात करते हैं तो येल्लो डोमिनेंट जाएगा. एंड आप जब पॉड के कलर की बात करते हो तो पॉड कलर में अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन इज द डोमिनेंट. तो ये डिफरेंस को बस याद रखना. आई रिपीट वंस अगेन, सीड के कलर में येल्लो कलर डोमिनेंट रहेगा एंड पॉड के कलर में ग्रीन कलर डोमिनेंट जाएगा. ये डिफरेंस याद रखना हम सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद येल्लो का अपोजिट यहाँ पे बच्चों जाएगा वो है मतलब ग्रीन. सीड का शेप, सीड शेप अगर आप यहाँ पे देखोगे डोमिनेंट हमारा जाएगा राउंड एंड रिसेसिव यहाँ पे हमारा जाएगा रिंकल्ड. ठीक है, पॉड शेप, पॉड शेप अगर आप यहाँ पे देखोगे एक आएगा यहाँ पे इन्फ्लेटेड एंड दूसरा जाएगा यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड. देन
पॉड कलर, पॉड कलर में ग्रीन एंड यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अपोजिट आएगा येलो. सो बच्चों ये है टोटल 7 कैरेक्टर. ठीक है, 7 कैरेक्टर में अगर आप यहाँ पे देखोगे केयरफुली, यहाँ पे देखिए ये 6 डोमिनेंट और ये 6 रिसेसिव. तो ये जो 6 उसके टाइप्स आए ना, ये यहाँ पे दीज आर द टोटल 6 और ये 6. ठीक है, तो यहाँ के 6 ट्रेड्स, मतलब डोमिनेंट में अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 ट्रेड्स अवेलेबल है एंड रिसेसिव में अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 ट्रेड्स है. मतलब टोटल गार्डन पी प्लांट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल ट्रेड्स इसमें जो अवेलेबल है वो आएंगे यहाँ पे 12 ट्रेड्स यहाँ पे आएंगे. एंड अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बात करोगे तो कैरेक्टर यहाँ पे कितने हैं, टोटल 7 कैरेक्टर कितना आएगा यहाँ पे, 7. तो आई होप अभी आप लोगों को कैरेक्टर एंड ट्रेड का डिफरेंस समझ में आया होगा. कैरेक्टर मतलब एक टिपिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेड का मतलब क्या होता है, उस फीचर के सब टाइप्स. तो उस फीचर के सब टाइप्स के बारे में आप जब बात करोगे वो बन जाएगा आपका ट्रेड. मतलब गार्डन पी प्लांट में टोटल 12 ट्रेड्स अवेलेबल है एंड उसमें 7 कैरेक्टर अवेलेबल है. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ओ आई मेड वन मिस्टेक हियर, यहाँ पे 7 ट्रेड्स है तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, माई बैड. तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल 6 के जगह पे यहाँ पे आएगा 7. ऑल राइट, तो यहाँ पे 7 आएगा, प्रिंटिंग एरर यहाँ पे हो गया. तो यहाँ पे 7+7 यहाँ पे टोटल हो जाएगा 14. तो अगर यहाँ पे 7 कैरेक्टर है तो यहाँ पे ट्रेड्स कितने हो जाएंगे, टोटल 14 ट्रेड्स यहाँ पे हो जाएंगे. ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड द कैरेक्टर. अब आपको अभी यहाँ पे पता चला होगा कि ये 7 डोमिनेंट ट्रेड्स है और ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 7 जो है रिसेसिव ट्रेड है. अब है ना हमारे पास एक रूल है. रूल क्या बताता है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना, डोमिनेंट के लिए रूल अलग है और रिसेसिव के लिए रूल अलग है. अगर मान लो आपको डोमिनेंट फीचर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, अगर आपको डोमिनेंट फीचर को एक्सप्रेस करना है तो डोमिनेंट आपको बताता है कि डोमिनेंट के सारे जो लेटर हैं वो कैसे होने चाहिए, कैपिटल में होने चाहिए. अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ यहाँ पे हाइट की, ठीक है, तो हाइट में यहाँ पे क्या आया, टॉल डोमिनेंट हुआ एंड रिसेसिव यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डॉर्फ हुआ. ठीक है, नाउ रूल हमें क्या बताता है, जेनेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डोमिनेंट होगा वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करेंगे एंड जो हमारा रिसेसिव होगा वो स्मॉल लेटर से आप एक्सप्रेस करोगे. ऑलराइट, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी हियर रूल नंबर 1, तो हमारा रूल क्या है बच्चों, डोमिनेंट लेटर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन कैपिटल लेटर्स. डोमिनेंट हमेशा हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैपिटल लेटर में. ठीक है, एंड रिसेसिव हमेशा हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल लेटर्स. तो रिसेसिव हम लोग स्मॉल लेटर में एक्सप्रेस करेंगे एंड डोमिनेंट हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल लेटर में. ठीक है, कैपिटल और स्मॉल मतलब एग्जैक्टली क्या, तो आई टेल यू ओवर हियर. देखिए यहाँ पे टॉल का इनिशियल लेटर क्या है, टी. ठीक है, तो डोमिनेंट के लिए हम लोग कौन सा लेटर कंसिडर करेंगे यहाँ पे, कैपिटल टी, कैपिटल टी. ठीक है, आप सोचेंगे मैम आपने दो बार क्यों यहाँ पे लिखा, तो दो बार लिखने का बच्चों यहाँ पे रीजन है. तो रीजन क्या है, ऑलवेज याद रखना यहाँ पे जीन्स जो है, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर्स. जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे दो बार लिखा. दो बार लिखने का रीजन क्या है, ये दो में से ये जो एक जीन है ये कहाँ से आया, ये आया मेल से एक जीन, और ये जो दूसरा अलील है, द सेकेंड अलील, इट इज रिसीव्ड बाय द फीमेल. एक जो अलील है मेल पार्टनर से रिसीव हुआ, दूसरा अलील जो है फीमेल पार्टनर से रिसीव हुआ. तो आप जब उसे कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी. तो जीन्स हमेशा पेयर में रहेंगे. तो अभी रिसेसिव के लिए क्या लिखेंगे, डॉर्फ के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एक चीज याद रखना, जो लेटर आप डोमिनेंट के लिए सिलेक्ट करोगे
मतलब डोमिनेंट के लिए मैंने टी कंसिडर किया, तो रिसेसिव के लिए भी आप टी कंसिडर करोगे, बस उसका स्मॉल वर्जन। तो यहाँ पे डॉर्फ के लिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आपका आया यहाँ पे जीन का कॉम्बिनेशन फॉर द रिसेसिव लेटर। काफी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डॉर्फ के लिए स्मॉल लेटर तो कंसिडर करते हैं बट उन्हें लगता है कि अरे यार डॉर्फ का स्टार्टिंग डी से हो रहा है तो चलो डी लिख देते हैं। नहीं, डॉर्फ का स्टार्टिंग डी से भले हो रहा है, हमें देखना है कि मैंने कैपिटल के लिए डोमिनेंट के लिए कौन सा लेटर सिलेक्ट किया है। तो डोमिनेंट का लेटर और रिसेसिव का लेटर सेम जाएगा, बट यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेट, यहाँ पे स्मॉल फॉर्मेट। आई होप नाउ डोमिनेंट एंड रिसेसिव के लिए कौन से लेटर हम यूज करेंगे इसका डिफरेंस आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट वाला आप मुझे बताओगे। अभी मान लो यहाँ पे मैंने एक फीचर कंसिडर किया टॉल एंड डॉर्फ, सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड फ्लावर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया समझो वाइट फ्लावर, तो इसके लिए लेटर का कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे, इसके लिए लेटर का कॉम्बिनेशन क्या लिखोगे बच्चों बताओ। अभी रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर में रेड इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव, तो अभी लेटर क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी कॉमेंट बॉक्स में, क्या आएगा आंसर आपका, सोचो। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रेड का स्टार्टिंग का लेटर यहाँ पे आर है एंड रेड डोमिनेंट है, तो इसके लिए आप सिंबल क्या लोगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। वाइट रिसेसिव है, अगर मैं रेड के लिए आर ले रही हूं तो रिसेसिव के लिए यहाँ पे मेरा लेटर का कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। ऑलराइट, सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो लेटर मैंने यहाँ पे लिखे, और एक रूल है यहाँ पे, ये जो लेटर का कॉम्बिनेशन मैंने लिखा ये क्या था, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, सी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजाइगस। अभी जो भी मैंने अभी जस्ट लेटर लिखा था, क्या लिखा था मैंने बच्चों बताइए, कैपिटल टी टी लिखा था मैंने, करेक्ट, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पे बताइए जस्ट अभी, स्मॉल टी ये मैंने लिखा था, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों भी अलील आइडेंटिकल है, दोनों भी जो अलील से या जीन से सेम कैटेगरी के हैं, आइदर दोनों यहाँ पे कैपिटल लेटर है या दोनों यहाँ पे स्मॉल लेटर है, मतलब कैन आई से दैट ओवर हियर, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ यहाँ के ये जो है दीज आर द, कैन आई से दैट बोथ आर आइडेंटिकल अलील्स, कैन आई से दैट बोथ आर आइडेंटिकल अलील। यस, यहाँ पे भी ये आइडेंटिकल अलील है और यहाँ पे भी ये आइडेंटिकल अलील है, ठीक है। तो अगर ये सेम अलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, सेम अलील है, तो आप उसे क्या बोलोगे यहाँ पे, होमोजाइगस। क्या बोलोगे आप इसे यहाँ पे, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों भी लेटर सेम सेम जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा होमोजाइगस का मतलब क्या होता है। तो अभी आप शायद सोच रहे होंगे तो होमो का अपोजिट क्या होगा, स्टूडेंट्स टेल मी। यस, होमो का अपोजिट क्या जाएगा, होमो का अपोजिट यहाँ पे जाएगा हेटेरोजाइगस। क्या जाएगा होमो का अपोजिट यहाँ पे, हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। मान लो ये लेटर को मैंने कंबाइन कर दिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, यहाँ पे एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ पे दो अलग जीन्स प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या बोलोगे, हेटेरोजाइगस। क्या बोलोगे आप इसे, हेटेरोजाइगस। मतलब यहाँ पे एज यू कैन सी दैट ये दोनों के दोनों, दीज आर द, आई कैन सी दैट दीज आर द टू डिफरेंट अलील, दीज आर द टू डिफरेंट अलील। मतलब एक यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डिफरेंट अलील के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोजाइगस। सो बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी आप हेटेरोजाइगस का रूल लिखते हो, रूल नंबर टू, डोमिनेंट एंड रिसेसिव लेटर जब हमेशा एक साथ रहेगा,
यहाँ पे अगर आप देखोगे डोमिनेंट है ये वाला एंड ये वाला रिसेसिव है. दिस जीन इज डोमिनेंट एंड दिस जीन इज रिसेसिव. तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब दोनों एक साथ रहेंगे, रूल हमें ये बताता है डोमिनेंट लेटर पहले आएगा और उसके बाद रिसेसिव लेटर आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो अलील अलग अलग थे, बट हमारे रूल के अकॉर्डिंगली डोमिनेंट अलील पहले आया उसके बाद रिसेसिव अलील आया. मतलब हमारा नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है, डोमिनेंट अलील हैज टू बी रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय रिसेसिव अलील. ये कब एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द हेटरोजाइगस कंडीशन में. तो हेटरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट पहले आएगा उसके बाद रिसेसिव आएगा. ठीक है, तो ये जो भी बेसिक था मोनोहाइब्रिड के लिए और डायहाइब्रिड के लिए जो अभी आगे हम लोग देखेंगे उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे जाते हैं मोनोहाइब्रिड के पास. तो व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो लेट्स सी दैट ओवर हियर. ओके, तो बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एग्जैक्टली क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ आई गेस मेरे स्क्रीन के साथ हो रहा है, लेटर बीच बीच में गायब हो रहे हैं. ऑलराइट, आई गेस वो लेटर्स वापस से आ जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना. नाउ व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी. नाउ अभी ये रेड से आया, अगेन आई विल वाइप इट अगेन, लेट्स सी. वापस एक बार देखती हूँ अच्छे से हो जाए. ओके, तो चलिए बच्चे वापस मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ओके, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है यह अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से लर्न करेंगे. नाउ लेट्स सी दैट ओवर हियर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है. देखिए नाम से ही पता चल रहा है मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है आप सबको पता ही है, आप अभी सब एक्सपर्ट हो. मोनो का मतलब होगा यहाँ पे वन. ठीक है, हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पे बताइए, मिक्सिंग. हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, मिक्सिंग. हमने जस्ट अभी गार्डन पी प्लांट के टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लर्न किए थे. तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किया, तो उसे आप क्या बोलोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्या बोलेंगे हम लोग उसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पे देखिए टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में का मेंडल ने उनके एक्सपेरिमेंट के लिए एक कैरेक्टर कंसिडर किया. अभी आप सोच रहे होंगे कौन सा कैरेक्टर कंसिडर किया, यस एकदम सिंपल सा कैरेक्टर उन्होंने कंसिडर किया जो अब तक हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो है मतलब यहाँ पे स्टेम हाइट. क्या कंसिडर किया बच्चों उन्होंने यहाँ पे, स्टेम हाइट. आप सबको पता है स्टेम हाइट तो दो है अवेलेबल, एक है डोमिनेंट एक है रिसेसिव. ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे स्टेम हाइट यहाँ पे कंसिडर किया, यू ऑल आर वेल अवेयर स्टेम हाइट में यहाँ पे कौन सा दो आएगा, एक उसमें से जाएगा यहाँ पे डोमिनेंट वाला एक रहेगा. ठीक है, और एक यहाँ पे रहेगा रिसेसिव. जो डोमिनेंट है यहाँ पे वो है यहाँ पे फीमेल, फीमेल हमेशा डोमिनेंस दिखाते हैं, दिखाने का ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे भी दो प्लांट है, यहाँ पे दो प्लांट में से फीमेल वाला प्लांट डोमिनेंट है एंड मेल वाला प्लांट यहाँ पे रिसेसिव है. ठीक है, तो यहाँ पे लेटर देखिए यहाँ पे क्या लेंगे डोमिनेंट के लिए, डोमिनेंट मतलब कौन सा रहेगा यहाँ पे, टॉल प्लांट, स्टेम हाइट हमने बोला ना, एंड स्टेम हाइट में दूसरा क्या जाएगा यहाँ पे, डॉर्फ. ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेटर का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है. अब आपको तो पता ही है लेटर का कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, आप सब एक्सपर्ट हो उसमें अभी. चलिए बताइए अगर मुझे यहाँ पे लेटर कंसिडर करना है तो कौन सा लेटर मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी बच्चों, ये आएगा मेरा यहाँ पे पेरेंट्स जनरेशन. ये क्या आएगा मेरा यहाँ पे, पेरेंट जनरेशन. तो टॉल के लिए मैं कौन सा लेटर यूज करूँ बच्चों, जल्दी बताओ यहाँ पे. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, टॉल के लिए मैं यहाँ पे लेटर कंसिडर करूंगी कैपिटल टी, कैपिटल टी, वेरी गुड, बिकॉज टॉल क्या है, डोमिनेंट है. और डॉर्फ के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डॉर्फ के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी स्मॉल टी, स्मॉल टी. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद का स्टेप काफी इजी है. अब हम क्या करेंगे, ये जो भी लेटर है इसे हम अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे. तो अलग देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसे हम लोग अलग कर देंगे, यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, अलग करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. ये मैंने ऐसे लेटर से यहाँ पे लिख दिए. तो ये जो भी अभी मुझे यहाँ पे लेटर मिले हैं, आई विल कॉल इट एज, आई विल कॉल इट एज गैमेट्स. क्या बोलेंगे हम लोग इसे, गैमेट्स. मतलब पेरेंट में अलील थे ना, तो ये जो सिंगल अलील हुए, यहाँ पे दो अलील थे, यहाँ पे सिंगल सिंगल अलील है, तो जो सिंगल अलील प्रेजेंट है उस सिंगल अलील को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, गैमेट्स. क्या बोलेंगे हम लोग इसे, गैमेट्स. अब क्या होगा, ये गैमेट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा. ठीक है, तो गैमेट एक दूसरे के साथ कंबाइन देखिए बच्चों कैसे होगा. सी, ये वाला जो है इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, ये वाला अलील इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, क्रॉसिंग ओवर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें आंसर देखिए बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखो ठीक से, यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों एक साथ आने के बाद आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखेगा, करेक्ट. तो ये पहला वाला जो है इसके साथ कंबाइन हो गया. उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो यहाँ पे देखिए ये आया आपका पेरेंट जनरेशन, ये आया आपका यहाँ पे गैमेट जनरेशन. ऑलराइट, ठीक है, पेरेंट्स के बाद ये बच्चे का पहला जनरेशन आया. तो पेरेंट्स के बाद ये बच्चे का पहला जनरेशन आया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे F1 जनरेशन. क्या बोलेंगे हम लोग इसे, F1 जनरेशन. यहाँ पे F1 जनरेशन में जो F यहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो F लिखा है F1 जनरेशन में, इसका मीनिंग है यहाँ पे फिलियल. इसका फुल फॉर्म क्या है, फिलियल. फिलियल का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ. फिलियल के यहाँ पे आइदर आप फिलियल को ऐसे भी बोल सकते हो, फिलियल मतलब ये ऑफस्प्रिंग हो जाएगा. ठीक है, या फिलियल मतलब इन मैनी लैंग्वेज समटाइम हम लोग प्रोजेनी ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फिलियल का स्टार्टिंग का लेटर एफ है. तो फिलियल का बच्चों स्टार्टिंग का लेटर एफ है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, F1. वन क्यों लिया हमने, पेरेंट्स के बाद ये बच्चे का पहला जनरेशन है, तो पेरेंट्स के बाद ये बच्चे का पहला जनरेशन है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, F1 जनरेशन. ठीक है, अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब तक नहीं खत्म किए, पिक्चर अभी बाकी है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी नोटिस करना, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हमें मिले हैं, अच्छे से मुझे बताना कि ये जो सारे के सारे प्लांट आपको मिले हैं, ये सारे प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, सोचो और बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. पेरेंट थे यहाँ पे, एक पेरेंट डोमिनेंट था, एक पेरेंट यहाँ पे रिसेसिव था. टॉल वॉज द डोमिनेंट एंड डॉर्फ वॉज द रिसेसिव. अब मुझे यहाँ पे F1 जनरेशन मिला है, तो F1 जनरेशन में का ये जो बता रही हूँ मैं आपको या पूछ रही हूँ, ये सारे के सारे प्लांट मुझे टॉल मिलेंगे कि डॉर्फ मिलेंगे, आपको क्या लगता है? आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज बताओ, सोचो जरा. F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल मिलेंगे कि डॉर्फ मिलेंगे? सारे प्लांट F1 जनरेशन के टॉल रहेंगे कि डॉर्फ रहेंगे? जो बच्चे डॉर्फ बोल रहे हैं आपका आंसर गलत है, जो बच्चे मीडियम हाइट के बोल रहे हैं आपका भी आंसर गलत है. बट अगर आपने टॉल ये गेस किया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ पे जितने भी प्लांट यहाँ पे हमें मिलेंगे, दे ऑल आर गोइंग टू बी, ये सारे के सारे प्लांट हमें कैसे मिलेंगे बच्चों, टॉल. ये सारे प्लांट मुझे यहाँ पे कैसे मिलेंगे, यहाँ पे टॉल. ठीक है, बट आप शायद कंफ्यूज हुए होंगे कि अरे ये कैसे हुआ करके, एक पेरेंट तो यहाँ पे डोमिनेंट था, एक पेरेंट यहाँ पे रिसेसिव था, तो
तो F1 जनरेशन में आधे प्लांट शॉर्ट होने चाहिए थे और आधे प्लांट टॉल होने चाहिए थे। तो ये F1 जनरेशन ने डोमिनेंट को ही क्यों एक्सप्रेस किया? तो ये रिसेसिव कैरेक्टर किधर गया? ये क्या गायब हुआ क्या? तो ये सेम सारे क्वेश्चन शायद मेंडल को भी आए, जो हमारे साइंटिस्ट है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी कंफ्यूज हो गए, अरे ऐसे कैसे हो गया? जब मैंने टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ प्लांट लिया, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधे प्लांट टॉल आ जाएंगे, आधे डॉर्फ आ जाएंगे एंड आधे शायद मीडियम साइज के आ जाएंगे। बट ही ऑल्सो लाइक यू नो सरप्राइज हो गए, वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गए, अरे ऐसे कैसे सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए? तो ये जो शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर है ये किधर गया करके? तो काफ़ी वो कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, पेरेंट के बाद ये एक जनरेशन टॉल मिला है ना, तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड जनरेशन देखते हैं कि वो कैसे आएगा करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के बीच में क्या क्या सेल्फिंग किया, ओके। तो अभी आगे का स्टेप देखो बच्चों क्या है, वो अभी आगे का स्टेप हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन यहाँ, ठीक है। नाउ वॉट ही डिड ओवर हियर, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ईजी है। एक बार अगर ये अच्छे से आप सीख लोगे ना, तो यू नो ये चैप्टर पूरा मोनो हाइब्रिड पे ही बेस्ड है। तो ये अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो यू नो जेनेटिक्स में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानना अगर आपको नहीं आ रहा है तो। तो अभी ये पेरेंट का जनरेशन, ये उनके बच्चों का जनरेशन, अब ये बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। तो ये दो प्लांट सिलेक्ट किया, मतलब अभी इनका क्या किया यहाँ पे, अभी उन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन मतलब क्या, F1 जनरेशन के बीच में अभी क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिला F1 जनरेशन में, कैपिटल टी ये मिला, ठीक है। इनके बीच में क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, मतलब इनके बीच में क्रॉसओवर करेंगे। मतलब ये जो है नाउ दे विल एक्ट एज ए पेरेंट फॉर F2 जनरेशन। अभी ये F2 जनरेशन के लिए एज अ पेरेंट एज अ एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी एज अ पेरेंट एक्ट करेंगे। मेंडल ने क्या किया कि जो F2 जनरेशन है सिस्टमेटिक बॉक्स फॉर्म में लिखने का ट्राई किया। अगर ये ऐसे लिखेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा, तो उन्होंने सोचा एक काम करते अच्छे से बॉक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो देन ही वेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन के लिए उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे बॉक्स लिया उन्होंने, ठीक है। तो बॉक्स देखिए यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे काफी इजी है, ये हमें सबको आना चाहिए। तो ये ऐसे बॉक्स ड्रॉ किया, तीन रो तीन कॉलम, ओके। आप अगर नोटबुक में ये कॉपी करोगे तो मेक श्योर आप स्केल का यूज करोगे, अच्छे से स्केल का यूज करके ये अच्छे से कॉलम ड्रॉ करना, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार आके गया है, तो प्लीज ये अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। एंड प्लीज कंजूसी बिल्कुल मत करना। अब मैंने काफी बार नोटबुक में नोटिस किया है कि बच्चे यू नो नोटबुक का बस 3 लाइन यूज करते ये बॉक्स ड्रॉ करने के लिए, तो कृपया करके ऐसे स्टंट ना करें, थोड़ा कंजूसी मत करना इतना भी, थोड़ा अच्छा खासा नोटबुक का 2 लाइन का यूज करके ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना सकते हो। मतलब यू नो जब एग्जामिनर आपका चेकिंग करेंगे तो उनको भी ये सिस्टमेटिक थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा अच्छे से ये लिख लेना। अब यहाँ पे ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फीमेल लिख दिया, यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी गैमेट मुझे मिला है मैं यहाँ पे ही लिख दूंगी। ये कैपिटल टी यहाँ पे अगर आपने पहले लिखा है तो ये यहाँ पे लिख दोगे, स्मॉल टी यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हुए बच्चे, गैमेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना, ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब ये गैमेट को फिक्स रखोगे, ये वाला गैमेट इसके साथ फिक्स हो जाएगा एंड जो भी आंसर आएगा ये वाले बॉक्स में आप लिखोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैपिटल टी आप लिखोगे, यहाँ पे कैपिटल टी आप लिखोगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनका कॉम्बिनेशन होगा, ये पार्टनर फिक्स रहेगा, ये इसके साथ जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आएगा। ऑलराइट, देन ये स्मॉल टी है यहाँ पे और ये यहाँ पे कैपिटल टी है। अब काफी बच्चे क्या करते हैं ना,
स्मॉल टी एंड कैपिटल टी ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में भी, मैंने काफी टाइम नोटिस किया जब पेपर के चेकिंग करते हैं, तो बच्चों ये काफी रॉन्ग है। जस्ट इसके पहले मैंने आपको क्या बताया, डोमिनेंट लेटर पहले होगा उसके बाद रिसेसिव लेटर होगा। आई नो यहाँ पे स्मॉल लेटर पहला है तो गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक चीज याद रखना, व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर। ओके, मेरी ये लाइन भी मिट गई, वापस यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया F2 जनरेशन। तो ये F2 जनरेशन हमने बॉक्स फॉर्म में लिखा है ना, तो ये जो F2 जनरेशन जो हमने यहाँ पे बॉक्स फॉर्म में लिखा है इसे हम कुछ बोलते हैं, ऑलराइट। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली से, तो ये जो F2 जनरेशन जो मैंने बॉक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग प्यूनेट स्क्वायर, या कोई कोई लोग उसे पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं या प्यूनेट स्क्वायर भी बोलते हैं बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट प्रोनंसिएशन, ऑलराइट। तो यूजुअली वी से प्यूनेट स्क्वायर, या हम इसे बोलते हैं इस मेथड को चेकर बोर्ड्स मेथड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, चेक्स है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में हमने ये ड्रॉ किया है, तो इसीलिए आप इसे चेकर बोर्ड्स मेथड भी बोल सकते हो या प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट एक्चुअली ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने हमें बताया कि ये जो F2 जनरेशन है हम अच्छे से बॉक्स फॉर्म में भी इसे यू नो ड्रॉ कर सकते हैं। अब लेट्स फोकस हियर, आगे देखते हैं अभी यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो प्लांट है ये टॉल है कि डॉर्फ है, देखते हैं कितने टॉल मिले और कितने डॉर्फ मिले अभी F2 जनरेशन में, बिकॉज F1 में तो सारे के सारे टॉल मिले थे। अब देखना यह है कि F2 जनरेशन हमें डॉर्फ प्लांट देता है कि नहीं देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला जो प्लांट है, ये वाला प्लांट टॉल हुआ, यस एब्सोल्युटली राइट। ये वाला प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, टॉल है ना, क्यों टॉल है, बिकॉज कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों एक साथ है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों एक साथ है तो कैपिटल लेटर खुद को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देगा। तो ये जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट मेरा कैसा हुआ बच्चों, टॉल हुआ, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों है, रिसेसिव लेटर है, बट रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाएगा बिकॉज डोमिनेंट सामने प्रेजेंट है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, ये भी प्लांट यहाँ पे टॉल बन गया, ठीक है। अब बचा लास्ट वाला, लास्ट वाला देखिए, अब दोनों यहाँ पे रिसेसिव लेटर है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट तो एब्सेंट है, यही तो हमने कल लर्न किया था रिसेसिव अलील के केस में, रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करेगा बट कंडीशन क्या है, रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करेगा बट कंडीशन ऐसा है कि डोमिनेंट एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो अच्छी बात है ना, डोमिनेंट यहाँ पे एब्सेंट है, यस, तो डोमिनेंट एब्सेंट है तो यहाँ पे ये जो प्लांट है ये कैसा हो जाएगा, डॉर्फ, ठीक है। मतलब देखो सरप्राइज मैजिक हो गया, यहाँ पे F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले, F2 जनरेशन में तीन प्लांट टॉल मिले और एक प्लांट डॉर्फ मिला, है ना मजे की बात। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, विजिबल फीचर, या फिनोटाइप को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइप में मुझे यहाँ पे कितने टॉल प्लांट मिले, मुझे यहाँ पे टॉल प्लांट कितने मिले इसका रेशो मुझे निकालना है, और मुझे यहाँ पे डॉर्फ प्लांट कितने मिले, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे देखिए टॉल तीन मिले और डॉर्फ एक मिला, तो मुझे यहाँ पे तीन प्लांट टॉल मिले और एक प्लांट मुझे यहाँ पे डॉर्फ मिला, तो मेरा रेशो यहाँ पे बन गया 3:1। तो 3:1 ये मेरा रेशो बन गया रिलेटेड टू द फिनोटाइपिक रेशो। मतलब F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो क्या आया, 3:1। 3:1 कैसे आया समझा,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन प्लांट टॉल है, एक प्लांट डॉर्फ है, तो ये हुआ हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो देख के मुझे पता चल रहा है. ओके, अब आगे आगे अभी हम लोग यहाँ पे बच्चों देखेंगे रिलेटेड टू द, देखिए यहाँ पे नाउ वी विल लुक आफ्टर जीनोटाइपिक रेशियो. अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? अलील का कॉम्बिनेशन, जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप मतलब क्या कि इसमें कौन कौन से डोमिनेंट है, कौन सा दोनों भी रिसेसिव है, कौन सा एक डोमिनेंट और रिसेसिव है. मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपको बोलूँ ना, जीनोटाइपिक रेशियो आपको कैसे फाइंड करना है, आपको बस देखना है कैपिटल लेटर के कॉम्बिनेशन कितने हैं, स्मॉल लेटर के कॉम्बिनेशन कितने हैं, एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर के कॉम्बिनेशन कितने हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, एकदम इजी आपके लिए कर देती हूँ मैं यहाँ पे. तो लेट्स सी दैट ओवर हियर. देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी का कितना कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ऑब्जर्व करो अच्छे से और फिर मुझे आंसर बताओ. देख रहा है चार है. कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन कितना है? एक ही है. तो यहाँ पे इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? वन. ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन कितना दिख रहा है? यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो दो मुझे मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? दो. ऑलराइट, देन स्मॉल टी एक ही है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्मॉल टी ये कितना है? एक ही है. तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया बच्चों, तो मुझे यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो मिल गया. तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? तो जीनोटाइपिक रेशो आया यहाँ पे 1:2:1, एंड फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे क्या आया? 3:1. तो दिस इज अवर ऑल अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो देखिए बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकदम ईजी है. देख लीजिए एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है. हमने क्या किया यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए? स्टेम हाइट को हमने यहाँ पे कंसिडर किया, टॉल एंड डॉर्फ प्लांट यहाँ पे कंसिडर किया. F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हमें टॉल मिले, एंड दैट्स वाई वी वेंट फॉर द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तीन प्लांट टॉल मिले, एक प्लांट डॉर्फ मिला, तो दैट्स वाई हमारा फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे बना 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशो हमारा यहाँ पे क्या बना? 1:2:1. ठीक है, आई होप नाउ आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना. तो अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या है करके, बिकॉज एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क के लिए एग्जाम में ये आता ही आता है. एग्जाम में पूछते हैं एक्सप्लेन स्कीमेटिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्कीमेटिकली एक्सप्लेन करो. ये एज इट इज अगर आप लिखोगे आपका 2 मार्क्स आपके पॉकेट में, गारंटेड 2 मार्क्स आपका. तो इसका डेफिनेशन कैसे जाएगा बच्चों बताइए मुझे अभी यहाँ पे मोनो हाइब्रिड का डेफिनेशन. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देती हूँ मोनो हाइब्रिड का. ऑलराइट, तो डेफिनेशन क्या आएगा देखिए यहाँ पे, डेफिनेशन यहाँ पे आएगा द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स. द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट. मैंने होमोजाइगस पेरेंट क्यों बोला? बिकॉज देखिए यहाँ पे ये दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, सो दे आर इन द होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. हमारा हो गया डेफिनेशन. देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस. देखिए केयरफुली, द क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ये हुआ आपका डेफिनेशन. मतलब देखिए यहाँ पे स्टेम हाइट ये कैरेक्टर हमने कंसिडर किया, मतलब ये एक पेयर हुआ, साथ में से एक पेयर को कंसिडर किया. दे आर डिफरिंग इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, मतलब यहाँ पे एक टॉल है तो यहाँ पे एक डॉर्फ है,
तो ये हुआ आपका डेफिनेशन। तो ये अच्छे से भी अगर बच्चों अगर आप ये लर्न कर लोगे एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि 2 मार्क्स आपके पॉकेट में कहीं नहीं जाएगा। एंड HSC बोर्ड एग्जाम अगर आप देखोगे ना, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अच्छे से लर्न करके जाना, बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज इट इज वेरी इजी। ऑलराइट, तो आई होप आप सबको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के पास, ठीक है। तो जिन लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया है, डायहाइब्रिड एकदम चिंदी है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जाएंगे डायहाइब्रिड के क्रॉस, तो चलिए जाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन डायहाइब्रिड क्रॉस का भी जाएगा, छोटा सा यहाँ पे चेंज हम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर के जगह पे डायहाइब्रिड में वन को रिप्लेस कर दोगे टू से, तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा ये डायहाइब्रिड के लिए, ठीक है। काफी इजी है, मतलब हमने एक डेफिनेशन में का एक वर्ड को निकाला, दूसरा वर्ड डाल दिया, तो ये हमारा यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन बन गया। ऑलराइट, तो ये हमारा दूसरा डेफिनेशन फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस। नाउ लेट्स सी डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकदम इजी है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। डायहाइब्रिड का मतलब क्या है, अगेन आई विल टेल यू, इसको स्प्लिट करेंगे वापस। डाई का मतलब क्या होगा बच्चों, टू। हाइब्रिड का यहाँ पे मतलब क्या होगा, मिक्सिंग। तो दो कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे मिक्सअप करेंगे, तो दो कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे मिक्सअप करेंगे तो आप उसे क्या बोलोगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, तो चलिए इसका डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या आएगा, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, टू होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस वर्ड ये लिखना मत भूलना बच्चों, द क्रॉस बिटवीन, द क्रॉस ओवर बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग। अभी कैरेक्टर के जगह पे आप ट्रेट भी लिख सकते हो, डिफरिंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओके, इज कॉल्ड एज डायहाइब्रिड क्रॉस। ऑलराइट, तो डायहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बस टू के जगह पे वहां वन लिख दोगे तो मोनोहाइब्रिड हो जाएगा, एंड यहाँ टू लिख दोगे तो ये डायहाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कब से यहाँ पे टू पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन से टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है यहाँ पे, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हमने यहाँ पे बोला है, कौन सा ट्रेट, आई टेल यू हियर। द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे कब से, ऑलराइट, तो दैट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, द फर्स्ट वन वो है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट सीड का शेप, ऑलराइट। एंड द सेकेंड वन जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है मतलब सीड का कलर, सीड का शेप एंड सीड का कलर। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हमने एक साथ कंसिडर किया, सीड का शेप एंड सीड का कलर, ठीक है। तो सीड शेप एंड सीड कलर, नाउ यू ऑल आर वेरी एक्सपर्ट। सीड शेप में यहाँ पे कौन आएगा बताइए, यहाँ पे राउंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरा क्या आएगा यहाँ पे सीड शेप में बच्चों, यस एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे कौन आएगा, रिंकल्ड, ठीक है। सीड कलर में कौन आएगा, सीड कलर में अगेन वेरी इजी, सीड कलर में येल्लो आएगा, एंड देन यहाँ पे कौन आएगा, ग्रीन, येल्लो एंड ग्रीन, दीज आर द टू थिंग्स विच विल कम। अब देखिए ये दो फीचर यहाँ पे हो गए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे यहाँ पे कॉलम कर देती हूँ, सो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दो फीचर हमने एक साथ कंसिडर किया, कौन सा दो फीचर, सीड शेप एंड सीड कलर, मतलब सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड आया एंड सीड कलर में येलो एंड ग्रीन यहाँ पे आया, ठीक है। और एक यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो फीचर है आपको पता ही है ये डोमिनेंट कैटेगरी में आएगा, ये जो कॉलम है दिस कॉलम विल कम इन द डोमिनेंट कैटेगरी एंड दिस कॉलम विल कम इन टू द रिसेसिव कैटेगरी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, और एक यहाँ पे सस्पेंस ऐसा है कि ये जो प्लांट है ये फीमेल से बिलोंग करेगा यहाँ पे, ये बिलोंग करेगा यहाँ पे मेल से, ऑलराइट। अब यहाँ पे लेटर मुझे कंसिडर करना है, अब लेटर आप मुझे बताओगे कौन सा लेटर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ। मुझे अगर राउंड के लिए लेटर कंसिडर करना है बच्चों, तो राउंड के लिए मैं कौन सा लेटर कंसिडर करूँ, आप बताओ मुझे यहाँ पे, विच लेटर शुड आई कंसिडर फॉर राउंड, टेल मी क्विकली। राउंड के लिए अगर मुझे लेटर लेना है तो कौन सा लेटर मुझे यहाँ पे लू, विच लेटर शुड आई कंसिडर। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, राउंड का इनिशियल लेटर आर है ना, ठीक है। तो राउंड के लेटर क्या लू मैं यहाँ पे, राउंड के लिए यहाँ पे लेटर हम लिखेंगे कैपिटल आर दो बार लिखेंगे यहाँ पे, बराबर। रिंकल्ड के लिए क्या आएगा, उसी का स्मॉल वर्जन जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए मुझे, स्मॉल आर येल्लो, येल्लो एंड ग्रीन में कौन डोमिनेंट है, येल्लो डोमिनेंट है एंड हु इज रिसेसिव ग्रीन, येल्लो का इनिशियल लेटर यहाँ पे क्या है वाई, तो यहाँ पे येल्लो का इनिशियल लेटर वाई है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताइए, स्मॉल वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मिक्सअप करेंगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे, तो दोनों को मर्ज करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला प्लांट राउंड है, इसका सीड राउंड है एंड जो सीड राउंड है उसी का कलर कैसा है यहाँ पे, येल्लो कलर, मतलब जो सीड राउंड है उसी का कलर येल्लो है। वेयर एज अगर आप यहाँ पे देखोगे, हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक दूसरा सीड है जो कि रिंकल्ड है, जो रिंकल्ड है उसी का कलर क्या है बच्चों, ग्रीन कलर, मतलब देख रहे हो यहाँ पे दो प्लांट मिल गए हमें, दो सीड मिल गए, एक प्लांट का सीड येलो एंड राउंड है ओके, एंड दूसरा वाला प्लांट ऐसा है जिसका सीड का शेप प्रॉपर नहीं है बट उसका कलर ग्रीन है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे, तो यहाँ पे ये जो सीड है इसका फीचर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसका फीचर लिखेंगे येल्लो एंड राउंड सीड, येल्लो एंड राउंड सीड, या आप उसे राउंड एंड येल्लो सीड भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, या आप रिंकल्ड या ग्रीन सीड ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दो पैरेंट प्लांट यहाँ पे मिल गए आप लोगों को, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब मुझे यहाँ पे लेटर का कॉम्बिनेशन लिखना है, तो लेटर का कॉम्बिनेशन ये दोनों को मर्ज करना है आपको, तो येल्लो एंड राउंड के लिए लेटर का कॉम्बिनेशन क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। एंड इसके लिए क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये लेटर का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दिस इज माई स्टाइल दैट वाई जो है वेन आई राइट इन नोटबुक, जब मैं नोटबुक में लिखती हूँ तो मुझे मेरा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई में डिफरेंस पता नहीं चलता, एंड इसके लिए मैंने क्या किया, स्मॉल वाई का जो टेल है वो टेढ़ा कर दिया है, सो दैट जब नोटबुक में लिखेंगे हमें अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली क्या लिख रहे करके। तो ये डायहाइब्रिड का लेटर का कॉम्बिनेशन हमें आ गया, मतलब यहाँ पे दो सीड है, दो प्लांट है, एक जो प्लांट है उसके सीड से राउंड एंड येल्लो, दूसरे प्लांट है उसके सीड से ग्रीन एंड रिंकल, ठीक है। तो ये मुझे बच्चों यहाँ पे मिल गया, आई कैन से दैट ओवर हियर पेरेंट्स जनरेशन फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस, ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, पेरेंट जनरेशन फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब पेरेंट जनरेशन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, चलो गेस करो जल्दी जल्दी, पेरेंट जनरेशन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, यस एब्सोल्युटली गैमेट। अब हमें क्या लिखना है, गैमेट लिखना है, तो अभी गैमेट लिखेंगे कैसे, ये गैमेट को ये अलग अलग हो जाएगा होमोजाइगस कंडीशन में। काफी बच्चे मिस्टेक क्या करते पता है, गैमेट लिखते समय आर आर को अलग कर देते, वाई वाई को अलग कर देते हैं, बच्चों ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है।
अगर आप ऐसा एग्जाम में लिख के आओगे ना तो आपको आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वहां पे आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, एक चीज याद रखना, आर एंड वाई का पार्टनरशिप हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे एक आर जाएगा वाई, आर वाई, यहाँ पे जाएगा आर वाई, आर वाई। तो एक चीज याद रखना, दोनों का पार्टनरशिप एक साथ रहेगा, ये दोनों को आप अलग नहीं करोगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, आर आर अलग, वाई वाई अलग, ऐसे नहीं करना है। तो दिस इज द करेक्ट वे, आर एंड वाई दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड ना, तो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आर एंड वाई बोथ विल बी टुगेदर। तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे गैमेट्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, गैमेट्स। तो गैमेट्स देख रहे हो आप यहाँ पे, कैन यू सी दैट ओवर हियर, गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिला। अब गैमेट के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, बताइए। यस, एब्सोल्युटली राइट, गैमेट के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे एफ वन जनरेशन, मतलब पेरेंट के बाद ये पहला जनरेशन आएगा, ठीक है। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काम करती हूँ, यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, 1 2 3 4। ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, सो आपको क्रॉस ओवर करने के लिए ये काफ़ी ईजी जाएगा मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वन है, टू के साथ तो नहीं जाएगा बिकॉज वो दोनों सेम प्लांट से बिलोंग करता है, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो ये वन थ्री के साथ जा सकता है, थ्री के साथ पैरअप कर सकता है। अब वन जब थ्री के साथ जाके पैरअप करेगा तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल आर है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। अब ये सारे के सारे लेटर कंबाइन हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले कैपिटल आर आएगा, फिर उसके बाद स्मॉल आर आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल वाई आ जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल वाई आ जाएगा। सो दिस इज अ लेटर का कॉम्बिनेशन विच वी लाइक गेट। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझे वापस ऐसे पूछेंगे कि मैम आपने बोला था कि डोमिनेंट लेटर पहले आता है फिर बाद में रिसेसिव लेटर आता है, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई पहले आना चाहिए था, तो आपने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज शेप एक ट्रेट का कॉम्बिनेशन, आर आर ये दोनों ट्रेट में आएंगे, तो शेप को पहले कंसिडर किया एंड देन बाद में हमने क्या किया, कलर को कंसिडर किया। तो शेप में कैपिटल आर पहले आ जाएगा एंड स्मॉल आर उसके बाद आएगा एंड देन कैपिटल वाई। तो शेप एंड कलर ये दोनों को हमने अलग अलग कंसिडर किया है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन मिल गया। आगे कॉम्बिनेशन देखो क्या मिला, वन का थ्री के साथ कॉम्बाइन कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये जो वन है ये फोर के साथ भी जाके कंबाइन हो जाएगा, आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे वापस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बराबर। वन का थ्री के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, वन का फोर के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। अब बचा कौन, टू, ये टू थ्री के साथ भी जाएगा और फोर के साथ भी जाएगा, मतलब मुझे सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये वन जो है ये थ्री के साथ भी जाएगा, सॉरी टू जो है ये थ्री के साथ जाएगा और फोर के साथ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा बच्चों, अगेन आई विल गेट द सेम, मतलब जो मुझे कंडीशन मोनो हाइब्रिड में मिला था सेम कंडीशन मुझे डाई हाइब्रिड में मिला। मोनो हाइब्रिड के एफ वन जनरेशन में भी मुझे डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पे दिखा था एंड डाई हाइब्रिड के एफ वन जनरेशन में भी मुझे यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच्चों देखो, अभी यहाँ पे एफ वन जनरेशन में जितने भी सीड आएंगे उनका फीचर क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ जल्दी यहाँ पे, व्हाट विल बी द फीचर, जल्दी जल्दी बताओ क्या रहेगा यहाँ पे। कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर है मतलब ये सीड कैसे रहेंगे, राउंड रहेंगे, ओके। कैपिटल वाई है मतलब ये सीड कैसा रहेगा, येल्लो। तो एफ वन जनरेशन में जितने भी सीड मिले ये सारे के सारे सीड कैसे रहेंगे बच्चों, द ऑल विल बी राउंड एंड येल्लो सीड, सारे के सारे सीड कैसे रहेंगे, राउंड एंड येल्लो सीड। क्यों? बिकॉज कैपिटल आर राउंड इज डोमिनेंट, येल्लो इज ऑल्सो डोमिनेंट, तो यहाँ पे रिसेसिव के होते हुए भी डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो ये है हमारा एफ वन जनरेशन। तो एफ वन जनरेशन में जितने भी मुझे प्लांट मिलेंगे तो ऑल विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब हेटेरोजाइगस राउंड एंड येल्लो सीड्स आई गॉट वेयर इन एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में सारे के सारे जो सीड मुझे कैसे मिले, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओके। अगेन मेंडल कंफ्यूज हो गए ना, अरे ऐसे कैसे यहाँ पे भी हो गया करके, कि हमने तो सोचा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि
शायद F1 जनरेशन में कुछ अलग फीचर दिख जाएगा, तो ये कैसे आ गया करके. तो उन्होंने सोचा चलो एक काम करते, इसका भी F2 जनरेशन करते हैं. तो F1 के प्लांट को कंसिडर किया फॉर द सेल्फिंग, मतलब F1 के प्लांट का सेल्फिंग किया टू गेट द F2 जनरेशन. तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आएगा. तो अभी उन्होंने क्या किया बच्चों, देखिए ही कंसिडर द RRYY, ठीक है. मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे किया सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है. मतलब इनका F1 जनरेशन से अभी हम क्या ऑप्टेन करेंगे, F1 जनरेशन का यूज करके अब हम लोग F2 जनरेशन को ऑप्टेन करेंगे, करेक्ट. तो अभी ऑप्टेन करने के लिए हमें गैमेट फॉर्म करना पड़ेगा. प्रीवियस केस में क्या था, होमोजाइगस कंडीशन था, तो गैमेट सेम आ गए. अब यहाँ पे गैमेट सेम नहीं आएगा, तो गैमेट देखो बच्चों यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे चार अलग अलग गैमेट्स आ जाएंगे. चार अलग अलग गैमेट्स क्यों आएंगे, बिकॉज यहाँ पे चार अलग अलग अलील प्रेजेंट है, चार अलग अलग लेटर के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है. एंड मैंने आपको क्या बताया, आर एंड वाई का पार्टनरशिप हमेशा फिक्स रहेगा, आर एंड वाई एक दूसरे को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है. तो आर एंड वाई का पार्टनरशिप हमेशा सेम रहेगा. तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद कैसे रखेंगे. तो याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है. कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक बार लिख दो, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई एक बार लिख दो. मतलब एक बार मैंने कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई लिख दिया, एक बार मैंने स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख दिया. अब वाई से वर्षा मुझे करना है, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक बार कैपिटल आर देन स्मॉल वाई, देन आर को मैं छोटा कर दूंगी, वाई को कैपिटल रख दूंगी. तो ये मुझे यहाँ पे चार गैमेट्स मिले. तो ये जो चार अलग अलग गैमेट्स मिले, ये चार अलग अलग गैमेट मुझे किसके लिए मिले, दीज आर द फोर गैमेट्स विच आई गॉट फॉर द F2 जनरेशन. मतलब ये मुझे क्यों मिले, ये क्या है बच्चों बताइए, दीज आर द गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन. ये गैमेट मुझे किसके लिए मिले, F2 जनरेशन के लिए मुझे ये गैमेट्स मिल गए, ठीक है. तो F2 जनरेशन के लिए मुझे गैमेट मिले, अब मुझे अगेन प्यूनेट स्क्वायर करना पड़ेगा. तो प्यूनेट स्क्वायर देखिए बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे लेट्स सी हाउ वी विल डू द प्यूनेट स्क्वायर ओवर हियर. आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन हियर, सी अभी यहाँ पे हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे. मेरे पास चार गैमेट है, तो चार गैमेट के लिए मुझे चार रो और चार कॉलम की रिक्वायरमेंट है, ओके. मतलब मुझे 16 पॉसिबिलिटी मिलेगा. तो अभी ड्रॉ करते समय मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई विल ड्रॉ हियर बेसिकली 5 रो एंड 5 कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करने का मैं ट्राई कर रही हूँ. लेट्स सी वेदर आई विल गेट सक्सेसफुल और नॉट. येस इट इज़ डन. 5 कॉलम तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए अच्छी तरीके से, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, रो ड्रॉ किया कॉलम की बारी, 2 कॉलम हो गए यहाँ पे, ओके. थैंकफुली आज अच्छा कॉलम ड्रॉ हो रहा है, अदरवाइज यूजुअली होता तो नहीं है. और राइट, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है फॉर द प्यूनेट स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ठीक है. सो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ, दिस इज फॉर अवर F2 जनरेशन. ये F2 जनरेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायहाइब्रिड का. ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे. नाउ व्हाट विल आई डू हियर, एज यू कैन सी यहाँ पे आएगा फीमेल, यहाँ पे लिखेंगे मेल. मतलब अब हम क्या करेंगे, जो भी ये गैमेट के कॉम्बिनेशन है, ये गैमेट के कॉम्बिनेशन इधर लिखते जाएंगे, ठीक है. कैसे लिखेंगे, लेट सी दैट ओवर हियर. ये कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे लिख दिया, जो भी लेटर का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे या आपको इधर भी लिखना है, ठीक है. अलग अलग नहीं लिखना है. अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई लिख रही हूँ हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली भी मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन जाएगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है. उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे क्या लिखूंगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई. ऑल राइट, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई. देन यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर आप जब नोटबुक में लिखोगे प्लीज़ अच्छी तरीके से लिख लेना, बिकॉज आई नो काफ़ी बच्चे काफ़ी हॉरिबली आर को ड्रॉ करते हैं, तो आर आर जैसे दिखना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे का पार्ट एकदम ईजी है, काफ़ी चिंदी है। आगे देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसका कॉम्बिनेशन, ये इसको फिक्स रखोगे, ये इसके साथ पैरअप करेगा, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, तो कैपिटल आर मैंने लिख दिया। यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैंने लिख दिया। ऑलराइट, यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं और यहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं, यहाँ पे अभी नोटिस करना है, यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं, तो कैपिटल आर पहले लिखूंगी, फिर स्मॉल आर लिखूंगी, फिर कैपिटल वाई दोनों जगह पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो ये मेरा एक रो कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन का। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे मुझे यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग आई विल फॉलो फॉर दिस, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करूँगी, यहाँ पे आंसर लिखूंगी, ऐसे मैं करते जाऊँगी। जिन बच्चों को आता है खुद से आप करना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फिर भी चलो सेकेंड रो पे ध्यान देना, ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा ये कॉलम में लिख दूंगी। तो यहाँ पे कैपिटल आ रहे, यहाँ पे कैपिटल आ रहे, कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई, ऑलराइट देन। यहाँ पे कैपिटल आ रहे बच्चों, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई, तो कैपिटल को मैं पहले लिखूंगी बाद में स्मॉल को लिखूंगी। यहाँ पे कैपिटल आ रहे, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, ओके। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रो कंप्लीट। नाउ जाएंगे थर्ड रो के तरफ, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, यहाँ पे कैपिटल आ रहे, तो अगेन रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल को पहले लिखेंगे बाद में स्मॉल। यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आ रहे, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, तो कैपिटल आर पहले, देन स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई, देन स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आ रहे, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, तो स्मॉल आर दो बार लिख दिया। यहाँ पे कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, ओके। यहाँ पे स्मॉल आ रहे, यहाँ पे स्मॉल आ रहे, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अभी ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसे देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अगेन दोनों जगह पे स्मॉल आ रहे, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ओके। तो ये मेरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, ओके। तो ये जो भी मेरा कॉम्बिनेशन आ गया, यहाँ पे मेरा एफ टू जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस का कंप्लीट हो गया। जरा एक बार देख लेना बच्चों, डायहाइब्रिड आपको एफ टू का समझा कि नहीं समझा, एक बार गौर से देख लेना। अच्छे से देख लेना एक बार, आई होप आई एम क्लियर विद द डायहाइब्रिड क्रॉस। इसका प्यूनेट स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन, ओके। शैल वी सी दैट फिनोटाइपिक रेशियो इसका कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इट्स विजिबल टू यू। तो इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लेट्स सी दैट, ओके। तो इसका फिनोटाइपिक रेशो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर। तो इसका अभी हम लोग बच्चों यहाँ पे देखेंगे फिनोटाइपिक रेशो, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका फिनोटाइपिक रेशो।
अब इसका फिनोटाइपिक रेशो हम लोग देखेंगे कैसे, लेट्स सी दैट ओवर हियर। अब फिनोटाइप मतलब मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अपीयरेंस। यहाँ पे चार अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, चार कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे भी कैसे एग्जैक्टली मिलेंगे करके, बट उसके पहले यहाँ पे हम लोग पहले लिख के लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिलेंगे चार। एक तो मुझे यहाँ पे मिलेगा राउंड एंड येलो सीड्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड मुझे यहाँ पे मिलेगा राउंड एंड ग्रीन कलर के भी मुझे यहाँ पे सीड्स मिलेंगे। थर्ड मुझे यहाँ पे मिलेगा रिंकल्ड एंड येलो सीड्स भी मुझे यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन मुझे यहाँ पे मिलेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। ऑलराइट, तो ये चार अलग अलग कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे मिलेंगे फ्रॉम द F2 जनरेशन ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक का मेथड यूज करेंगे इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो राउंड, अब मैंने यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन लिख दिए है, हम लोग यहाँ से रिकग्नाइज करते जाएंगे कौन से राउंड एंड येलो सीड है, कौन से रिंकल्ड एंड ग्रीन है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक का एक एक लाइन यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये वाला जो सीड है ये राउंड एंड येलो है कि नहीं है, कैपिटल आर मतलब वो राउंड है। देखो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वापस एक बार लिख देती हूँ सो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैपिटल आर मतलब किसके लिए हमने कंसिडर किया था, राउंड के लिए, ठीक है। स्मॉल आर हमने किसके लिए लिया था, स्मॉल आर हमने लिया था रिंकल्ड के लिए, ठीक है। कैपिटल वाई हमने किसके लिए लिया था, येल्लो। स्मॉल वाई हमने किसके लिए लिया था, ग्रीन, ठीक है। तो कैपिटल लेटर अगर रहेगा तो कैपिटल को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कैपिटल आर है कैपिटल वाई, मतलब क्या आएगा, राउंड एंड येल्लो। तो राउंड एंड येल्लो के सामने हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला सीड राउंड एंड येल्लो, ओके। ये वाला सीड देखो फर्स्ट थर्ड वाला, ये भी राउंड एंड येल्लो। ये वाला देखो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है, तो ऑफकोर्स ये भी राउंड एंड येल्लो आएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब क्या, राउंड येल्लो। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक का एक कंप्लीट कर दिया। देन दिस वन, कैपिटल आर है मतलब वो राउंड है, दोनों स्मॉल वाई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बोथ आर स्मॉल वाई, वाई मतलब क्या, ग्रीन, दोनों स्मॉल वाई है मतलब रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये वाला जो सीड है ये आएगा राउंड एंड ग्रीन कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में आएगा, राउंड एंड ग्रीन। ये वाला देखो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, मतलब ये आएगा राउंड एंड येल्लो, ओके। ये वाला देखिए कैपिटल आर राउंड है एंड दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई मतलब अगेन बोथ आर ग्रीन, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये राउंड एंड ग्रीन। कैपिटल आर कैपिटल वाई अगेन राउंड एंड येल्लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई अगेन सेम चीज राउंड येल्लो। कितने बार आ रहा है ना राउंड एंड येल्लो, बिकॉज दैट इज अ डोमिनेंट वन। स्मॉल आर स्मॉल आर, देखो अभी दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, दोनों स्मॉल आर है मतलब रिंकल्ड खुद को एक्सप्रेस करेगा। एंड कैपिटल वाई, कैपिटल वाई मतलब क्या, येल्लो, मतलब ये वाला सीड कौन से कैटेगरी का रहेगा, रिंकल्ड एंड येल्लो। रिंकल्ड एंड येल्लो किधर लिखा है, इधर। ये वाला अगेन रिंकल्ड एंड येल्लो, एक कैपिटल वाई है ना, तो रिंकल्ड एंड येल्लो। अब जाएंगे लास्ट रो के पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब राउंड एंड येल्लो, कैपिटल आर एंड दोनों स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, कैपिटल आर मतलब राउंड, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन मतलब यहां आएगा। स्मॉल आर मतलब रिंकल, कैपिटल वाई मतलब येल्लो, रिंकल्ड एंड येल्लो यहाँ पे। लास्ट वाला कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब ये क्या आएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन एक। तो चलो काउंट करो कितना आया यहाँ पे, देखिए ये पांच का कॉम्बिनेशन और ये चार, कितना आया यहाँ पे, ये टोटल आया नाइन। ये आया यहाँ पे थ्री, ये आया यहाँ पे थ्री, ये आया यहाँ पे वन, ओके। तो दैट मीन्स हमारा जो फिनोटाइपिक रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे आया 9:3:3:1।
एग्जाम में आपको स्टैटिस्टिक का काउंटिंग इतना करते बिल्कुल नहीं बैठना है, जस्ट आपको एफ टू जनरेशन ड्रॉ करना है। आपको ये चार कॉम्बिनेशन लिखने हैं, राउंड येलो सीड 9, राउंड एंड ग्रीन सीड 3, रिंकल्ड एंड येलो सीड 3 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड 1। एंड ये रेशो आपको इंपॉर्टेंट है, इतना काउंटिंग में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ये मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया है कि 9:3:3:1 का जो आंसर है ये एग्जैक्टली आया कैसे, मतलब 9 राउंड एंड येलो सीड और ये दो नए कॉम्बिनेशन एंड 1 आया रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आज का, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इसका शॉर्टकट है। काफी बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब लेटर का कॉम्बिनेशन आपको देखना है। तो ये कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे, इट्स वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताइए, कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये पूरे 16 कॉम्बिनेशन में ये एक ही है कि और कहीं प्रेजेंट है? चारों भी कैपिटल लेटर, और कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मतलब कैन आई से दैट मेरा यहाँ आया 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया बिकॉज ये एक ही कॉम्बिनेशन है सब जगह पे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस, ये वाले कॉम्बिनेशन के पास देखो, अभी ये वाले कॉम्बिनेशन के पास देखो जिसको मैंने क्रॉस किया है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दो ही है यहाँ पे ऐसे क्रॉस डायगोनली, और बाकी किधर भी नहीं है, दो ही है ये। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपका आंसर आया 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे ये वाला देखो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये वाला कॉम्बिनेशन पूरे इसमें एक ही है और कहीं पे भी नहीं है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 1। अब देखो यहां पे, ये वाला देखो, यहां पे कैपी, ये वाला डायगोनली देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये दो ही है यहां पे। आप चाहिए तो बाद में केयरफुली इस चार्ट को नोटिस कर सकते हो, बट आई कैन गिव यू गारंटी दो ही है। ओके, तो इसके लिए यहां पे वापस रेशो मैंने क्या लिख दिया, 2। ऑलराइट, अब देखिए और एक अभी यहां पे नेक्स्ट वन, यहाँ पे अभी देख सकते हो आप यहाँ पे, चलो इसको यूज करती हूँ, किसको यूज करूँ, ओके वाइट को यूज कर देती हूँ। अब देखिए ये वाला देखो, पूरा बड़ा सा डायगोनल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एक बड़ा सा डायगोनल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, ये बड़े से डायगोनल की तरफ अभी देख लेना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे चार कॉम्बिनेशन डायगोनली प्रेजेंट है, चार कॉम्बिनेशन डायगोनली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, अब चलो बच्चों नेक्स्ट इसके पास जाते हैं अभी यहाँ पे, नाउ अगेन सी यू, यहाँ पे देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन, सी यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कितने कॉम्बिनेशन है, 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, हियर यू कैन सी दैट ये एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये एक ही है पूरे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अगेन यू कैन सी हियर, ये देखो यहाँ पे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी दो ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। एंड द लास्ट वन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया आपका 1। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से कुछ जीनोटाइपिक रेशो मिला। तो हमारा जीनोटाइपिक रेशो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट इज अ जीनोटाइपिक रेशो, कैन यू सी हियर, 1:2:1:2। आपको अगर नहीं याद रहना है कोई बात नहीं, और एक शॉर्टकट बताती हूँ, जीनोटाइपिक रेशो आप ऐसे याद रख सकते हो, 12:12:4:21:21, ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन में आप इसे याद रख सकते हो, दो दो के कॉम्बिनेशन में आप इसे याद रख सकते हो, 12:12 बीच में 4, 21:21, 12:12 बीच में 4, 21:21, ये कॉम्बिनेशन में आप याद रख सकते हो, दिस इज अवर जीनोटाइपिक रेशो। इवन एग्जाम में ये पूरा आपको करते बैठना नहीं है, बस मैंने आपको बताया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो क्या आया, डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशो आया 9:3:3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो आया 12:12:4:21:21। ओके, सो हियर वी आर डन विद द डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो आई होप बच्चों
आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाय हाइब्रिड क्रॉस क्या है, काफी अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको डाय हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है. आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इजी वे से ये टॉपिक समझ में आ जाए. एक बार वापस देख लेना हमने क्या लर्न किया था. सी व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. हमने रूल्स पहले देखे थे डोमिनेंट एंड रिसेसिव का, जो भी है दैट वी हैव डिस्कस सो फार. ठीक है, पहले तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ग्रेविटी डोमिनेंट फीचर को याद रखने के लिए, एक बार वापस रिवाइज कर लेना. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने डिस्कस किया, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, एक बार देख लेना मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैड सीन टुडे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगेन वी हैड सीन डाय हाइब्रिड क्रॉस. डाय हाइब्रिड में दो फीचर हमने कंसिडर किए, सीड शेप, सीड कलर. ठीक है, एंड F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड मिले, वेर एज इन केस ऑफ द F2 जनरेशन ये दो नए कॉम्बिनेशन मिले, राउंड एंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड एंड येलो सीड, जो कि पेरेंट में बिल्कुल नहीं था. ठीक है, सो दीज आर द टू न्यू कॉम्बिनेशन विच वी हैव गॉट. एंड डाय हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2, 1:2:4, 2:1:2:1. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज सेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसका जो आगे का पार्ट है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर.